भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारत की विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत विश्व के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करेगा और विश्व शांति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसी स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। पहला है गुट निरपेक्षता की नीति, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जाता है। गुट निरपेक्षता गुटों की पूर्व स्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बट चुकी है। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए थे और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ एक तीसरे महासमर की तैयारी होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करें। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक का साथ पकड़ सकता था अथवा दोनों से पृथक रह सकता था। भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि वे विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था और न विश्व के। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर वे गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति का आशय है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए उनसे मैत्री संबंध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा। भारत की गुट निरपेक्षता एक विध्यात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं वरन दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन का निर्माण करना है। असंलग्नता की यह नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह गुट निरपेक्षता नकारात्मक तटस्थता, अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक है, अर्थात जो सही और न्यायसंगत है उसकी सहायता और समर्थन करना तथा जो अनीतिपूर्ण व अन्यायसंगत है उसकी आलोचना एवं निंदा करना। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो वहां हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। कृष्ण मेनन ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं हैं, हम उन बड़ी आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं जिनका कभी भी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्षता तथा अप्रतिबद्ध हैं। इसी संदर्भ में अप्पा दोराय ने कहा कि यह स्वतंत्र विदेश नीति एवं तटस्थता एक बात नहीं है। यदि कभी कहीं युद्ध होता है तो और इस नीति की मांग होगी कि वे अपने स्वतंत्रता व शांति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ दे। यह एक नकारात्मक नीति नहीं है, यह सकारात्मक है जिसका उद्देश्य सम विचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करना है और अपना तथा अन्य अर्ध विकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़ा न होना, अर्थात नाटो, सीटो या वारसा संगठनों जैसे किसी सैनिक गठबंधन में शामिल न होना। यह ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र समझती है। यह किन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य नहीं करती है, यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं।
भारत की गुटनिरपेक्षता नीति स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की तटस्थता के समान नहीं है और न यह एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यह है कि इन दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से हम सामान्यतः किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहते और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, पहला, गुटों से पृथक रहना, दूसरा, शीत युद्ध में भाग न लेना, तीसरा, यह तटस्थता नहीं है, चौथा, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना, और पांचवा, विरोधी गुटों के बीच संतुलन कायम रखना। भारत की एक गुटनिरपेक्षता नीति पलायनवाद की नीति भी नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता। किसी भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाएँ सदैव उपलब्ध रही हैं। कोरिया, हिंद चीन, मिस्र एवं इसराइल के विवाद इसके उदाहरण हैं। भारतीय गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद भी नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में तो क्या उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ सकता है, जैसा भारत के साथ हुआ भी। भारत निसंगता में विश्वास नहीं रखता, जिसका उदाहरण यह है कि भारत न केवल राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बल्कि अन्य अनेक राष्ट्रों के साथ उसके कूटनीतिक तथा मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत ने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति क्यों अपनाई, इसके कई सशक्त कारण हैं। पहला, किसी भी गुट में शामिल होकर अकारणी भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं मानता। दूसरा, भारत अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। यदि उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे गुट के नेताओं का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। तीसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुटनिरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों से एक साथ ही सहायता मिलती रही है। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती है। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएँ टकराती थी, अतः पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिल सकती थी, अतः साम्यवादी गुट में सम्मिलित होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। नेहरू ने कहा है कि किसी गुट के साथ सैनिक संधियों में बंध जाने के कारण सदा उसके इशारे पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब हम असरलता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी देश से बंधना आत्मसम्मान खोना है, यह बहुमूल्य निधि का विनाश है। यदि गुटनिरपेक्षता की नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि इसकी यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं। यह एक गतिशील विदेश नीति सिद्ध हुई है। इसके विभिन्न चरण निम्न प्रकार। पहला, 1947 से 50 तक। अपने प्रारंभिक वर्षों में गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति बड़ी अस्पष्ट थी। कई लोग इसे तटस्थता का पर्यायवाची मानते थे और वे स्वयं नेहरू इसे सकारात्मक तटस्थता कहकर पुकारते थे। इस काल में भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुट की तरफ झुकी हुई थी। पश्चिमी गुट की तरफ भारतीय झुकाव के कई कारण थे। सुरक्षा के मामले में भारत पश्चिमी गुट पर निर्भर था। भारतीय सेना का संगठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था, इसलिए हम ब्रिटेन के साथ हर मामले में पूरी तरह संबंध थे। हमारी शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी और भारत के उस शिक्षित वर्ग पर पाश्चात्य देशों का प्रभाव था। इस काल में भारत के व्यापारिक संबंध केवल पश्चिमी राष्ट्रों से थे। भारत का लगभग 97% विदेशी व्यापार पश्चिम से होता था। ब्रिटेन व अमेरिका से ही खास तौर से भारत को आर्थिक व तकनीकी सहायता मिल रही थी। इस समय सोवियत संघ आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत को सहायता देने की स्थिति में नहीं था, अतः भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा। इसी कारण भारत ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता दे दी, क्योंकि उसका संबंध पश्चिमी गुट से था, जबकि पूर्वी जर्मनी को मान्यता प्रदान नहीं की। कोरिया युद्ध में प्रारंभ से ही भारत ने पश्चिमी गुट का पक्ष लिया और उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित किया। दूसरा, 1950 से 1957। 1950 से 1957 के काल में सोवियत संघ के प्रति भारत के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया। इसका कारण यह था कि 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफ़ी उदार होने लगा। इस काल में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में कटुता आने लगी। पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्र देने का निर्णय किया गया अमेरिका द्वारा। गोवा के प्रश्न पर भी अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ ने भारतीय नीति का हमेशा समर्थन किया। इस काल में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की,
तथा सोवियत नेताओं ने भारत की सद्भावना यात्राएं की। भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार बढ़ा और भारत को सोवियत संघ से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने लगी। सोवियत संघ ने भारत को भिलाई इस्पात कारखाने के लिए आर्थिक तकनीकी सहायता भी दी। 1956 में स्वेज संकट उत्पन्न होने पर भारत ने सोवियत संघ की भांति ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की। हंगरी की समस्या पर भी भारत की नीति सोवियत संघ का समर्थन करती रही। संयुक्त राष्ट्र में जब हंगरी की समस्या पर विचार हुआ तो भारतीय प्रतिनिधि ने सोवियत हस्तक्षेप की कटु आलोचना नहीं की। 1957 से 1962 तक ऐसा कहा जाता है कि 1957 के बाद भारत की नीति पुनः पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी। इसके कई कारण थे। 1957 में आम चुनाव में भारत ने केरल राज्य में साम्यवादियों की विजय हुई। भारत में इस समय गंभीर आर्थिक संकट विद्यमान था। देश में खाद्यान्न तथा विदेशी मुद्रा की कमी ने भारत को बाध्य कर दिया कि वे पश्चिमी गुट के देशों के साथ मेलजोल बढ़ाए। इस काल में नेहरू ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध दबी जबान से करने लगा। थैंक यू।